आ चुका भाई नया फोन। इतने खुशी इतनी खुशी दिनों बाद आपसे फिर एक बार मुलाकात हुई है। आप सभी कैसा मतलब फील कर रहा था उस फोन को लेकर, पर जो भी था भाई भाई फोन वीवो वाई 28 5G आता करेंगे भाई। हाँ जैसे इंस्टाग्राम, हाँ ट्विटर, फेसबुक, अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथ। हाँ जी तो भाई कैसा आप सब, स्वाद आप सभी का भाई न्यू ब्लॉग के अंदर। भाई जो भी इस ब्लॉग में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगेगा ब्लॉग। सो भाई इतने दिनों बाद आपसे फिर एक बार मुलाकात हुई है। आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई बंटी भैया गए तो गए कहाँ। सारा रीज़न ये था कि भाई मेरा हो चुका था फ़ोन ख़राब, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। हुआ क्या था भाई, इसका सिस्टम हैंग हो चुका था 3/32 का। भाई तुम्हें पता ही था कि फ़ोन था, मैं कैसे ब्लॉग बना पाता भाई मुझसे पूछो। कैसा मतलब फील कर रहा था उस फ़ोन को लेकर, पर जो भी था भाई उस फ़ोन ने बहुत साथ दिया। अब लिटरली भाई आ चुका भाई नया फ़ोन, इतने खुशी इतनी खुशी बता नहीं सकता भाई, मज़ा आ गया जो भी कहो भाई। और आप सब कैसे हो यार एक बार ज़रूर बताना। आप सबकी भाई बड़ी चिंता थी मुझे कि भाई हमारे भाई सब कैसे हैं, पर देख लो भाई भाई मेरा न्यू फ़ोन आ गया। मुझसे तो भाई पूछो मत मैं कितना खुश हूँ। ये देखो भाई दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपना, ये रहा भाई वीवो वाई 28 5G। भाई ये फ़ोन लाया था मैं लिटरली कल ही लाया हूँ भाई, ज़्यादा दिन नहीं हुए भाई। फाइनेंस करवाया था इसे इस फ़ोन को मैंने भाई, फ़ोन लेना बहुत ज़रूरी है। उस फ़ोन में पता है क्या प्रॉब्लम हुई थी भाई, प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब भी मैं भाई ब्लॉग बनाता था ना, एक तो पहली बात देखो तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं होता था, बार बार रिकॉर्डिंग ऑन होती थी ऑफ होती थी, रिकॉर्डिंग ऑन होती थी ऑफ होती थी। इसके इसी प्रॉब्लम के कारण मैंने बीच में ब्लॉग बनाना उसमें बंद कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं वीडियो एडिट करता था तो वीडियो सेव नहीं हो पाती थी, क्योंकि वीडियो की जो रेंज जाती थी वो अपर जाती थी और उस फ़ोन के अंदर वीडियो सेव होना बहुत मुश्किल था। 3/32 का फ़ोन था, मुझसे पूछो भाई मैंने उसे कितनी मुश्किल से चलाया, मतलब कितनी मुश्किल से उसे मैनेज करा मैंने, बहुत दिक्कत सही है भाई मैंने उसके अंदर। सो भाई अब ये अल्लाह लिटरली न्यू फ़ोन आ चुका है हमारा। न्यू फ़ोन में अच्छे खासे फ्यूचर है, 5G है, एक तो अनलिमिटेड डाटा है तुम्हें पता ही, 5G अनलिमिटेड चलता ही चलता है भाई, अनलिमिटेड चलाएंगे इसको अपने वीवो वाई 28 को। और भाई कैमरे की क्वालिटी एक बार ज़रूर बताना, ये भाई जो अभी ब्लॉग बनना है बस इसी फ़ोन से बनना है। 14 से 16 दिन हो गए मैंने तुम सबसे कभी बात ही नहीं करी, पर अब देख लो भाई अब जन्नत फील होने वाली है, क्योंकि भाई पूरी मेहनत करेंगे ब्लॉग के अंदर। अब भाई 8/128 है याला जो फ़ोन है मेरा, 8/128 भाई काफ़ी होता है ब्लॉग बनाने के लिए भी, एडिट करने के लिए भी, और चीज़ और सोर्स पैदा करेंगे भाई। जैसे इंस्टाग्राम, हाँ ट्विटर, फेसबुक, अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भाई साफ पे इस बार ब्लॉग डलेगा। अब देखना भाई कितना मज़ा आने वाला है ब्लॉग को शूट करने में भी, बनाने में भी और आगे की जर्नी भी। सो भाई मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, वीडियो क्वालिटी एक बार बताना और वॉइस रिकॉर्डिंग भी बताना कि कैसी आ रही है वॉइस। भाई आप सभी की जो ओपिनियन है वो बस बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो भाई ये देखो भाई ये रहा फ़ोन वीवो वाई 28, और जो मेरा वाला फ़ोन था पुराना वो था भाई रेडमी 9 8 था वो, उसके अंदर भाई 3/32 था, इसमें भाई 8/128 है, मतलब बहुत ही डिफरेंस है भाई दोनों के अंदर। अभी इस वाले फ़ोन में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और भी प्लेटफॉर्म है, उन सभी का तुम्हारा भाई ओपन करेगा अपना मिस्टर बंटी राइडर 01 का चैनल ओपन करेगा, फिर वहाँ पर भी भाई अपनी जर्नी को वहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। सो भाई यही था कुछ छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप सभी को थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी के अंदर अभी क्या क्या था 10-15-16 दिन से मैंने, मतलब ऐसा दिन बताया है ना कि पूछो मत, कि मतलब समझ पा रहे होगे कि मन नहीं लग रहा था यार ब्लॉग की, बड़ी चिंता थी। अभी 5 minutes later क्या मन था, मैंने कहा था कि भाई मेरे को पोको M6 Pro लेना है, तो उसके अंदर भाई 8/256 था, 5G था और वो 13,000 रुपये का पड़ रहा था। पर उसकी दिक्कत पता है क्या हुई, बंदे वहाँ पर मैं जैसे ही गया ना वो कहने लगे कि भाई ये ऑनलाइन फ़ोन है, ऑनलाइन मिलेगा हमारी दुकान में अभी अवेलेबल भी नहीं है, 2 से 3 दिन लगेंगे इसे आने में। तो
मेरा पूरा ही मूड गिलस गया उस टाइम। और पापा मम्मी साथ ही थे तो वो कहने लगे कि दूसरा फ़ोन ले ले। दूसरा फ़ोन मुझे समझ में नहीं आया, फिर हड़बड़ी में जल्दबाजी में फाइनेंस का इतना दिक्कत है ना भाई, पूछो मत। कि नेक्स्ट बार है ना, मैं मन नहीं कर रहा भाई अगली कुछ भी चीज़ फाइनेंस लेने की, मन कर रहा है कि भाई कैश टू कैश लेना है। वहाँ पे जाके थोड़ा पूरा मूड खिलस चुका था, मैंने कहा भाई आज फ़ोन नहीं ले पाऊँगा। पर भाई दुआ ये रही कि सडनली भाई याद आया एक फ़ोन, यही वाला Vivo Y 28। सडनली भाई अभी कुछ ही दिन हुए हैं लॉन्च हुए हैं Vivo Y 28 को भी, तो यही कहूँगा कोई लेना चाह रहा हो तो भाई ले लेना, अच्छा फ़ोन है। कैमरे की क्वालिटी आप सब देख ही रहो एक बार, ये भी कैमरे की क्वालिटी देख लेना एक बार। उसके साथ भाई एक्सेसरीज मिली थी, एक माइक्रोफोन दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक बार। ये भाई देख रहे हो भाई, ये माइक्रोफोन मिला था मुझे, इसके साथ ही भाई फ्री आया। और जहाँ से फ़ोन लिया भाई वो कह रहे थे कि इसका गिलास भी चढ़ा देंगे हम, तो यही है भाई गिलास वो चढ़ा के देंगे। सो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेल डन, बाय बाय, लव यू।